शुरू करते हैं। आप सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार एमसीडी में हो रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि बीजेपी के, कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस चीज़ को मानने लगे हैं, वो आपस में चर्चा करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अब एमसीडी मुक्त होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार एमसीडी से बाहर जा रही है। अभी उसकी उसका जो ताज़ा उदाहरण ये है कि ये लोग जाते जाते दिल्ली के अंदर जो एमसीडी की ज़मीनें हैं उनको औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि दिल्ली की जो नावेल्टी सिनेमा की ज़मीन थी उसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 34 करोड़ रुपए में बेच दिया। आप देखिए, दिल्ली के अंदर चारों तरफ होल्डिंगों का भरमार है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है, उसका पैसा कौन खा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताने में असमर्थ हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी से जाते जाते एमसीडी को बेचकर एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार करके अपने घरों को भरना चाह रही है। आज के आगे का जो मुद्दा है उस पर मैं सौरभ भाई से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सौरभ भारद्वाज जी, धन्यवाद। जैसा कि आदिल भाई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी से जाते जाते जितनी भी एमसीडी के एसेट्स हैं उन सबको औने पौने दामों में बेचकर भागने की तैयारी कर रही है, क्योंकि एमसीडी में अब एक चर्चा है कि भाजपा यहां से जा रही है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आज जो है हम इस प्रेस वार्ता में दे रहे हैं कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी का एजेंडा आया है, जिसके अंदर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर आने वाले करीब 10 अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को ये अब केंद्र सरकार को सौंपना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं। हालत ये हो गई है कि एक तरफ जहां पे दिल्ली सरकार 7 नए अस्पताल बनाने की बात कर रही है, 6,500 नए आईसीयू बेड्स बनाने की बात कर रही है, उसी दिल्ली की जिम्मेदारी लेने वाली एमसीडी अस्पतालों को बेचने की बात कर रही है, और इनकी हालत इतनी ख़राब है कि अब ये अस्पतालों को चलाने लायक भी नहीं बचे हैं। एमसीडी की हालत इन्होंने इस कदर दिवालिया कर दी है कि अब ये कह रहे हैं कि ये जो एमसीडी के अस्पताल हैं इनको केंद्र सरकार को बेच दिया जाए और खर्चा भी बचाया जाए और थोड़ा धन जो है वो अर्जित किया जाए। जितने भी रेवेन्यू कमाने के मैकेनिज़म्स थे, चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे वो पार्किंग टैक्स हो, या वो एडवर्टिजमेंट से आने वाला पैसा हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, हर मैकेनिज़म के अंदर ये फेल हुए हैं। और अब जिस तरह से किसी घर की आमदनी अगर ख़त्म हो जाती है तो घर के जेवर बेचने पड़ते हैं, घर की संपत्ति बेचनी पड़ती है, इसी तरीके से जो अब एमसीडी है दिल्ली वालों की ज़मीन बेच रही है और अब दिल्ली वालों के जो अस्पताल हैं उनको भी बेचने की एमसीडी तैयारी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये केवल नॉर्थ एमसीडी का है, मुझे लगता है नॉर्थ एमसीडी में ही सबसे ज़्यादा जो है हॉस्पिटल्स हैं, तो नॉर्थ एमसीडी का है। बट देखने में आया कि पहले कोई एक एमसीडी करती है फिर सभी एमसीडीज जो है इस पर करती हैं। जी आप पूछिए मोहित जी। देखिए, समस्या ये है कि सेंटर लेगा नहीं, ये देने की कोशिश कर रहे हैं सेंटर को, बट सेंटर का कोई इंटरेस्ट नहीं है इन अस्पतालों को खरीदने में, क्योंकि सेंटर को पता है कि इसके अंदर इतनी मिसमैनेजमेंट है कि
कि उसको चलाना मुश्किल है, दूसरी बात सेंटर की नीयत नहीं है दिल्ली वालों के लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट करने की। सेंटर के तो खुद के पास कई अस्पताल हैं, सफदरजंग अस्पताल है, एम्स है, राम मनोहर लोहिया है, इसके बहुत कम बेड्स जो हैं दिल्ली वालों के लिए उपलब्ध है। मगर इससे एक चीज का संकेत जो है वो बड़ा साफ साफ आ रहा है कि एमसीडी दिवालिया हो रही है। एमसीडी के अंदर पैसे लाने के जितने भी तरीके थे उसमें इतनी लूटपाट हो रही है कि वो पैसा आ नहीं रहा है, इसलिए ना अस्पताल चलाए जा रहे हैं, ना स्कूल चलाए जा रहे हैं, ना सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, कोई भी काम जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, और एमसीडी को दिवालिया करके जो है ये भाजपा वाले भागने की कोशिश में। हमारा ऑफर उनको आज भी है, जब दिल्ली सरकार 7 नए अस्पताल बनाने की बात कर रही है और उसके अंदर 7,900 आईसीयू बेड्स बनाने की बात कर रही है, तो दिल्ली सरकार के लिए तो बेहतर है और दिल्ली के लिए बेहतर है कि वो अस्पताल जो इनसे नहीं चल रहे हैं वो दिल्ली सरकार को दे दें। मगर आज का विषय ये है कि इन्होंने एमसीडी को इस कदर दिवालिया कर दिया है कि सालों से चलने वाले अस्पताल भी अब इनसे नहीं चल पा रहे हैं। कोविड के समय में आपने देखा होगा एमसीडी के अस्पतालों की कोई भूमिका नहीं थी, एमसीडी के अस्पतालों की कोई भूमिका नहीं थी कोविड के, आपको नहीं पता चला होगा कि कोविड के कितने मरीज एमसीडी के अस्पतालों में एडमिट हुए, क्योंकि हुए ही नहीं। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक का कहते थे कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोग क्यों नहीं एडमिट हो गए, अब आप बताइए मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कहां पर लोग एडमिट हो जाएंगे। तो ये बात जो है आज है आपके बारे में। दूसरा सवाल देखिए, एमसीडी कोई भी एसेट बेचेगी देगी तो ऑब्वियसली उसका दाम लेगी। अगर कोई एसेट मान लीजिए कम्युनिटी सेंटर ही है, वो भी अगर वो दिल्ली सरकार को लेती है, जैसे हमने कुछ कम्युनिटी सेंटर्स को लेने की कोशिश की कि इनके दाम आपने बहुत बढ़ा दिए, किराया बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आप इसे दिल्ली सरकार को दे दें, तो वो उसका लंबा चौड़ा करोड़ों में बिल बना के देते हैं कि इतने करोड़ में आप हमसे खरीद लो इस कम्युनिटी सेंटर को। तो जाहिर सी बात है इन अस्पतालों को भी वो किसी दाम में कुछ पैसे में जो है केंद्र सरकार को देंगे। और कोई सवाल है आपका? हमारा सीधा है कि आप केंद्र को दे रहे हैं, आप दिल्ली को देते, केंद्र तो लेना भी नहीं चाहता। और कोई सवाल है? हाँ, दिल्ली सरकार को बेच दे, जैसे केंद्र को बेच रहे हैं वैसे वो दिल्ली सरकार को बेच दे। मगर आज की पीसी का जो वो है वो बदहाली है। ठीक है, अच्छा मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में।